यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं संवैधानिक प्रकार से जो रैलियाँ वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार करने की वजह से संवैधानिक प्रकार से रैलियाँ यहाँ पे पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। माननीय वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में आज के दिन में जो नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर जो प्रोटेस्ट मार्च साहब के नेतृत्व में हम लेकर जा रहे हैं। वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार करने के विरोध में यहाँ पे बहुजनों का सबसे बड़ा सैलाब, अब क्रांति होके रहेगी। कितने का है? 61 रुपए पानी। और आगे आप लोग देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। आगे और पीछे दोनों तरफ यहाँ पे ठीक है, चारों तरफ से पुलिस इस पूरे नागपुर में चक्काबंदी लगा दी है। कोई चिल्ला के नहीं, कोई चिल्ला के नहीं, सबको बैठना है। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं संवैधानिक प्रकार से जो रैलियाँ वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार करने की वजह से संवैधानिक प्रकार से रैलियाँ यहाँ पे उनके समर्थक बहुजन नायक वामन मेश्राम साहब के इशारे पर ही यहाँ पे लाखों के जनसैलाब उमड़ पड़ी है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन रोड पे ही बैठ कर रहे हैं। मेश्राम साहब को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यहाँ से लोग हटेंगे नहीं। आप लोग देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरह तैनात है। और उसके बाद यहाँ पे बहुजनों का बहुत बड़ा जनसैलाब, कई किलोमीटर तक लंबी लाइन है, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे की जा रही है 44। हमारे आजू बाजू को भरोसे करे हैं। गाड़ी पे चढ़ के बोलना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से नहीं करेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सैलाब हुआ है।
बोलिए। अभी जो है हमारे नेतृत्व सिर्फ नेतृत्व को माननीय बावन मिश्राम को संविधानी के तहत हम लोग जब प्रोसेस कर रहे थे उनको डिटर्न किए। हम बिहार से हैं, पटना से आए हैं, चंद्रशेखर दास नाम हुआ मेरा। और हम लोग जो है हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं प्रोसेस संविधानी की लड़ाई लड़ने के लिए। और जानबूझ करके जो है आरएसएस की सरकार ने हमारे नेतृत्व को जो है डिटेन किया है, उसके लिए हम लोग उदार विरोध करते हैं। संवैधानिक तरीके से हम ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन संविधानी के दायरे में रह करके रहेंगे। और पुलिस से हम लोग भी समर्थन मिल रहा है, किस तरह की दिक्कत नहीं है। सभी लोग शांति बना करके अपना प्रदर्शन करते रहे। हम जय मूल निवासी। क्या पूरे भारत से लोग आए हुए हैं? पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, कोने कोने से। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। बोला तुम्हें रुमाल खाली बैठा। बोला यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है सबको जबरदस्ती से लेकर जा रहा है। मेरे हाथ का मोबाइल छीना जा रहा था, मुझे भी डिटेन किया गया थोड़ी देर। अभी हम लोग बाहर आए, जबरदस्ती कर रहे हैं सब लोगों को पुलिस प्रशासन वाले। आप सब लोग लाइव देखिए लोग कैसा कर रहे हैं। हमारे संविधान में रहते हुए भी ये लोग हमें बेकानूनी तौर पर हमको लेकर जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, जो धरना पे बैठे थे। लखन चौहान जो सीनियर कार्यकर्ता ये किन्नाखोरी कर रही है हमारे मूल्यवासी भोजनों के साथ, बदतमीजी से ये व्यवहार कर रहे हैं और ये महिलाओं से भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो इन गुंडों की सरकार को हमें सबक सिखाना होगा। देश भर के लोगों को मेरा अपील है कि आप जागो। आज मूल्यवासी को जागना होगा, हमारा संविधान खतरे में है, इन बदमाशों का बंदोबस्त करना होगा। आओ नागपुर, आइए नागपुर, जय मूल्यवासी। ये हमारे साथ बीके केनिया जी जुड़े हुए थे। बोलो। अभी हम लोगों को बलजबरी लेकर जा रहा है, जबकि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस का जो है एक गुंडागर्दी चल रहा है। ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन जिंदाबाद। आमच्या अंगावर आमच्या कार्यकर्त्यांना ढकललेलं आहे आणि जखमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मी या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाचा आणि विदेशी ब्राह्मणाचा जाहीर दिनदार करत आहे। जे आमचे धर्मगुरू आहेत आदरणीय भंतेजी यांना जखमी करण्याचा आणि मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। मी या ठिकाणी पोलिसांचा आणि महाराष्ट्राचा जाहीर निषेध करतो।
मित्रांनो या ठिकाणी मेश्राम साहेबांनी आता केलेल्या बोलणे मी काय वेगळं बोलत नाहीये सहकार्य करा तुम्ही मी कुठं काय करतो का तुम्हाला माननीय बाबू मेश्राम साहब को किसी भी हालत में गैर कानूनी से बंद करने वाले सरकार का डिटेन करने वाले सरकार का मैं निषेध करता हूँ और इस देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर है उसका भी मैं जाहिर निषेध करता हूँ जो कि ये आंदोलन को इस आजादी को विरोध कर रहे हैं इस मूलनिवासी आजादी को विरोध कर रहे हैं हमारी आजादी के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार है नाम बताओ ना कहाँ से मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ज्योति बनकर भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारे अधिकारों की लड़ाई है हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है उसके तहत हमारे बहुजन मूल्यवादी समाज को बोलने से रोका जा रहा है उनका कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है इसके लिए हम सारे भारत देश के बहुजन मूल्यवादी लोग आंदोलन करेंगे और वामन मेश्राम साहब के साथ हम लोग उनके साथ है हम आंदोलन करेंगे महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी धन्यवाद नाम बताओ एडवोकेट सुधाकर चौधरी से महाराष्ट्र बहुजन मुक्ति पार्टी महिला आघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष आज हमको यहाँ पे इंदौरा पार्क में आरएसएस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट रैली हम लोगों ने निकाली है वो रैली को पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया था ये बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं के द्वारा बोलो ना हिंदी में बात करो मैं जो मिसाल और जो 6 अक्टूबर को रैली हो रही है उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी को डिटेन कर दिया है और हम लोग भी डिटेन हो रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन के लोग जबरदस्ती हमारे महिलाओं को डिटेन कर रहे हैं धकेल रहे हैं धक्का मुक्की कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब को जो है लोकतंत्र संविधान का विरोध करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अब मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और वहाँ से हर राज्य से लोग आए हुए हैं विद्यार्थी व बेरोजगार लोग जो है और इस तरीके से संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मणों के इशारे पर जो संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका में बैठे हुए जो ब्राह्मण है उनके इशारे पर इस देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और जो है असंवैधानिक तरीके से हमको प्रदर्शन हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है तो मैं ये वीडियो देखने वाले सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग को पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरना होगा और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए हमको संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन लड़ाई करनी होगी इस बात को मैं इतना कहना चाहता हूँ आराम से बैठिए बोलो बोलो नाम बताओ यूपी बांदा से है हम लोग भंते महेंद्र रत्न नाम है हमारा और बांदा से बहुत सारे बहुत भिक्षु हम लोग आए हुए हैं इस माननीय वामन मेश्राम साहब के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बल्कि ये कार्यक्रम संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है और हम भाईचारा प्रेम करुणा मैत्री के साथ इस देश पे हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं हम अपना अधिकार मांगना चाहते हैं और इस देश में जो मठ
मठ और जो बौद्ध स्तूपों पर इन्होंने ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है, इन लोगों ने कब्जा करने के बाद भी आज भी इस देश में ब्राह्मणों ने हमको अमन और चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ये देश हमारा है और इस देश में ब्राह्मण विदेशी आकर के इस देश में कब्जा करने का काम किया, इसलिए ये गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया दिखाना भी नहीं चाहती हम लोगों को, इसलिए इस देश के मीडिया से भी हम भरोसा नहीं करते हैं। और साथियों, इस देश के लोगों को हम बता देना चाहते हैं आप लोगों से, इस देश में हम लोग अमन और चैन से शांति गौरव मैत्री से कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, हमको भरने का अधिकार देता है। इस देश में जो भी रहने वाले हैं सभी को आर्टिकल 19 के तहत और अभिव्यक्त की आजादी देता है, वो भी अपना कार्यक्रम करे, हम भी अपना कार्यक्रम करें। और इस देश में आरएसएस बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, आरएसएस सामने आके लड़ाई नहीं लड़ रहा बहुत बिच्छुओं से, इस वामसे के कार्यकर्ताओं से और इस शासन प्रशासन के, ये नागपुर है, नागपुर और महाराष्ट्र के राज्यों को, सारे पुलिस प्रशासन को, इस देश के मूल निवासियों को घेरने का काम किया। इसलिए हम इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग समझदार और समझदार हो जाओ, नहीं देश में ये आपका देश है, लुटने ना बच दीजिए, संविधान बचाओ और संविधान आपका लुटने वाला है, इसलिए संविधान को आपको सुरक्षा सुरक्षा करना है। मैं इसी बातों के साथ वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामनेश्राम साहब का कंधे से कंधा मिला के साथ और समर्थन देना चाहते हैं, हम लोग साथ हैं और पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं से मैं निवेदन करूंगा कि नेत्राम साहब के कंधों को मजबूत करें और उनके साथ खड़ा हो जाए। यह बौद्ध मय भारत था, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, इस विश्व गुरु को इन लोगों ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, अगर आप में दम है मीडिया वाले, आप लोग दिखाने का काम करें, इसको चैनल में दिखाने का काम करें। धन्यवाद, साधुवाद। ये नाम बताए? मैं रणवीर कुमार सलेश। हाँ, कहाँ से? हाँ, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। यहाँ बामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग बिहार में आरएसएस को देखने का काम करेंगे और वहाँ से खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। हम लोग अभी ये जो रैली था उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। आज देश के में आरएसएस का चरित्र नंगा हो गया है, वो पुलिस प्रशासन को आगे करके उन्होंने अपना आतंकवादी चरित्र दिखाने का काम किया है। धन्यवाद। गुजरात से मैडम, हम गुजरात से आए हैं, हम गुजरात से आए थे, हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है, हम कोई जनता को रुका नहीं भूल जाएंगे। नेता को रिटेन किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब को भी रिटेन किया गया, इसके विरोध में धरने में बैठे हुए कार्यकर्ता आए हुए हैं। क्या नाम? मैं कोल्हापुर से आया हूँ, शाहू नगरी से आया हूँ, महाराष्ट्र राज्य जिला कोल्हापुर तालुका राधा नगरी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के नगरी से मैं आया हूँ। माननीय वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में आज के दिन में जो नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर जो प्रोटेस्ट मार्च आपके नेतृत्व में हम लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं तो प्रशासन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान के विरोध में सारा ये षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए मैं इस षड्यंत्र का जाहिर ऐसा धिक्कार करता हूँ। और माननीय वामन मेश्राम साहब जी का नेतृत्व में यह आंदोलन तेजी से आगे चलेगा, इसकी घोषणा भी आगे जाकर मेश्राम साहब करेंगे और हमको निर्णय लेना है कि साहब क्या बोलते हैं, हम देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जय निवास को रिहा नहीं किया जाएगा भाई, तब तक हम लोग जो है ये जेल में डालेंगे, वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी रुकने वाले नहीं।
लो। देश और दुनिया के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, साधारण लड़ाई नहीं है। तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया है हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को भी निवेदन है कि वो जोर जबरदस्ती का व्यवहार न करें। हम लोग संविधान को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये देश आरएसएस के कहने पर नहीं चलता, ये देश भारत के संविधान के ऊपर चलता है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भिक्षु की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो भिक्षु की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे बड़ा आतंकवादी, को गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण गजवी है, जबलपुर। क्या कहना है आपका? ये आरएसएस ने देश में जो गुंडागर्दी मचा के रखी है, आज पूरे भारत के आरएसएस के विरोध में ये प्रदर्शन भारत के मूल निवासी कर रहे हैं, उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश से हम हजारों की संख्या में ये आरएसएस के विरोध में ये गिरफ्तारी देके, ये आतंकवादी संगठन है, इसके विरोध में हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। या आरएसएस का आतंकवादी संगठन जो इस देश पर अत्याचार कर रहा, उसके लिए पूरे देश के मूल निवासी संघर्ष कर रहे हैं। इंजीनियर प्रवीण गजवीय, जबलपुर। धन्यवाद। बहुत समय से चल रहे और हम इतने लेटर तहसीलदारों को, डीएम को, मजिस्ट्रेट को दे चुके हैं पहले से ही शांतिपूर्वक करते 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 करते, और हमको हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही, उनका मजाक बनाया जा रहा है जनता का। तो जो चीज जनता की आवाज, किसको पता नहीं आज की सरकार को ये पांव नहीं उठा दी, सरकार किसी मसले का तुरंत हल नहीं कर, क्योंकि इनको मसलों को लटकाना है। ये लोग इतना चला के हर ब्राह्मणवादी, पहले तो इन्होंने एक एक मोहन भागवत मेन है और नतीजा उनको ही बोला जाएगा ना, हम सबको कैसे कह सकते हैं। जो मुख्य अधिकारी होता है, जो मुखिया होता है, उसके तो नाम लिया जाता है, और किसको क्यों नहीं ले रहे हम। आगे की भूमिका अभी हमारा सत्याग्रह चालू है।
यहाँ पे पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करके एक लोगों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं पुलिस वालों ने। यहाँ पे लेके जाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।